Red FM presents The Audio Film Project Season 2 with director Vikram Bhatt. Ise aankhein band karke dekho. Only on Red FM. गुरूर बड़ी अजीब चीज होती है. इंसान खुद उसे जबरदस्ती बनाता है और जब टूट जाए तो ऐसे दुख मनाता है जैसे शरीर का एक हिस्सा ही चला गया हो. और गुरूर के टूटने पर सबके पहले हिम्मत टूट जाती है और इसके साथ ही आता है एक डर. ऐसा डर जो बार बार आपको खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है. ऐसा ही कुछ समीर के साथ भी हो रहा था. इस वक्त वो अपने आलीशान मगर खामोश घर में बैठा था. अंधेरा पूरे घर में बरपा था और रोशनी सिर्फ सामने रखे लैपटॉप के स्क्रीन से ही आ रही थी. उस स्क्रीन पर तारा का फोटो था. हाथ में विस्की का गिलास लिए समीर गुस्साई आंखों से बस उस लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रहा था. बार बार उसके कानों में तारा के वो बेइज्जती भरे शब्द गूंज रहे थे. वो शब्द जैसे किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे उसे. आखिर एक मामूली सी लड़की ने उसे ये सब कुछ कैसे कहा? जिस शान के साथ अब तक समीर अपनी चमक तमक वाली जिंदगी को जीता हुआ आ रहा था, उसी जिंदगी की धज्जियां उड़ गई थी. विस्की का घूंट लेते हुए समीर ने फिर एक नजर उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर तारा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और अचानक से अंदर पल रहा वो गुस्से का गुबार फट गया और समीर ने पूरे जोर के साथ उस लैपटॉप को दीवार में दे मारा. उसने मन ही मन में कहा, शुरुआत मजाक में की थी मगर अब इस लड़की को मैं बताऊंगा कि बेइज्जती कितनी दिल पर लगती है. मगर कुछ और भी था जो समीर के मन में चल रहा था. समीर से रहा नहीं गया. उसने तुरंत अपना फोन उठाया और काव्या को फोन लगा दिया. कुछ देर तक रिंग जाने के बाद काव्या ने फोन उठाया और एक अलसाई आवाज में कहा, अब रात के 4 बज रहे हैं यार, सुबह फोन करती हूं ना. इस पर समीर ने खींचते हुए कहा, वो लड़की तारा, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय हर. काव्या, समीर की आवाज में उस आक्रोश को सुनकर काव्या उठकर बैठ गई और बोली, क्या बात है समीर, क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑल राइट? इस पर समीर ने कहा, कुछ ठीक नहीं है, बेइज्जती की है मेरी उस तारा ने. आज तक कोई इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि मेरी पीठ पीछे मुझे कुछ बोल दे और इसने मेरे मुंह पर ही, इस लड़की को तो पूरा हिसाब देना पड़ेगा. इस पर काव्या ने उसे समझाते हुए कहा, समीर समीर, तू भी कहां से उस बहन जी की बात का बुरा मान रहा है, काम डाउन. काव्या अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी समीर ने तपाक से कहा, कोई तो है जिसने मेरे बारे में तारा को सब कुछ बता दिया है, मगर ऐसा करने की हिम्मत किसकी हुई? इस पर काव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, इन्फॉर्मेशन निकालने वाला काम मैं बचपन से करती आ रही हूँ, बस तू थोड़ा आराम कर ले और मुझे थोड़ा टाइम दे दे. इतना बोलकर काव्या ने फोन रख दिया. मगर समीर को नींद कहाँ आने वाली थी. उसके अंदर जल रही आग उसे सोने नहीं दे रही थी. अगली सुबह समीर की आंखें देर से खुली. सूरज सिर तक चढ़ गया था और तभी एक फोन कॉल की वजह से समीर की आंखें खुली. शराब की वजह से अब भी समीर का सर बेहद दुख रहा था. उसने एक आंख खोलकर देखा तो फोन काव्या का ही था. उसने फोन उठाया कि तभी काव्या ने उत्साह भरी आवाज में कहा,
क्या हीरो अब तक सो रहा है? खैर सो ले, क्योंकि जब तू गहरी नींद में था मैंने तेरा काम निपटा दिया। इस पर समीर ने कहा, क्या मतलब? ये सुनकर काव्या ने उसी अंदाज में कहा, नाम है राहुल मेहता, ये तारा शर्मा का बचपन का दोस्त है और ये लड़का हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, तो शायद जब तारा ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो एक अच्छे बच्चे की तरह राहुल ने तेरा नाम ले लिया होगा। कह दिया होगा उसे कि चाहे जो कुछ हो जाए समीर टंडन से दूर रहना, और इसीलिए तारा ने बिना साबुन के ही तेरी धुलाई कर दी। ये सुनकर समीर उठकर बैठ गया। उसने खींचते हुए कहा, ये लड़का मिलेगा कहाँ बता। इस पर काव्या ने कहा, मिलेगा नहीं बुलाना पड़ेगा, पार्टी का बहुत शौक है इसे और तुझसे अच्छी पार्टी कौन थ्रो करता है। ये सुनकर समीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये पार्टी तो हमेशा राहुल को याद रहेगी, देखना अब क्या करता हूं मैं। इतना बोलकर समीर ने फोन रख दिया। नापाक इरादे अब समीर के दिमाग में अपने आप बनने लग गए थे। कुछ तो था जो बहुत बुरा होने वाला था। वहीं फोन रखकर काव्या अपने लिविंग रूम में वापस आई ही थी कि उसने देखा वहां अनामिका बैठी थी। अनामिका का चेहरा इस तरह से मुरझाया था जैसे किसी सफेद चादर पर सिलवट आ गई हो। उसे देखकर पहले तो काव्या को हंसी आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके इस अंदाज का राज क्या था। मगर तभी चेहरे पर झूठी सहानुभूति लेकर काव्या अनामिका के पास आई और बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बैठी हो? यह सुनकर अनामिका बुरी तरह से रोने लगी। उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, तो और कैसे बैठूं, तुम्हारा वो दोस्त समीर, पता है उसने क्या किया? मुझे अकेले उस कैफे में छोड़कर चला गया। सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मुझे तो लगा था वो अच्छा लड़का है, मगर लोग सही कहते हैं उसके बारे में, ही इज अ ब्लडी वुमनाइजर। ये सुनकर बड़ी मुश्किल से काव्या अपनी हंसी रोक पा रही थी। उसने अनामिका को थोड़ा समझाते हुए कहा, अरे वो ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा गलत समझ रही हो उसे, वो बहुत अलग लड़का है, बस उसकी प्रायोरिटीज थोड़ी अलग है। ये सुनकर अनामिका ने खींचते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, सब लड़के एक जैसे होते हैं, आई थिंक मैं प्रतीक के साथ ही ठीक थी, पता नहीं क्यों छोड़ दिया मैंने उसे, कभी कभी लगता है उसके सॉरी वाले मैसेजेस का रिप्लाई कर दूं। प्रतीक का नाम सुनकर काव्या के चेहरे का नक्शा ही बदल गया। अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए उसने कहा, अच्छा क्यों छोड़ा था तुमने उसे? यह सुनकर अनामिका ने कहा, थोड़ा चौमू सा था वो, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था, और वैसे भी मुझे दिल्ली आकर नई लाइफ शुरू करनी थी, इसलिए उस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया मैंने। ये सुनकर काव्या के मन में इतना गुस्सा उमड़ आया कि उसने पास रखे वाज पर जोर से हाथ मार दिया और वो कांच का वाज जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अनामिका का ध्यान टूट गया। उसने कहा, अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? इस पर काव्या ने उठते हुए एक ठंडी सी आवाज में कहा, नहीं मैं बस अभी आती हूं। इतना बोलकर काव्या सीधे चलकर बाथरूम में आ गई। गुस्से में उसकी सांसें चढ़ी हुई थी, लग रहा था जैसे वो अभी अनामिका का गला घोट देगी। उसने तुरंत अपना शेल्फ खोला और अंदर से एक सफेद पाउडर से भरा हुआ पैकेट निकाला। अब ये पाउडर ही था जो उसके गुस्से को काबू में ला सकता था। कुछ देर बाद काव्या का शरीर बुरी तरह से फड़कने लगा कि तभी अचानक से उसका फोन बजा। ये फोन उसके पिताजी का था। फोन पर नाम पढ़कर जैसे उसका सारा नशा चूर हो गया। उसने फोन उठाते ही कहा, हाय डैड,
कैसे चल रही है आपकी ट्रिप? उसके पिता ने एक ठंडी सी आवाज में कहा, ट्रिप की बात छोड़ो, और ये अभी अभी मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे कॉलेज में ड्रग्स मिले हैं, और वो भी गर्ल्स बाथरूम से। तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? ये सुनकर तो जैसे काव्या की हालत ही खराब हो गई। अपनी नाक को मसलते हुए उसने कहा, नहीं डैड, और आप तो मुझे और मेरे सारे दोस्तों को अच्छे से जानते हैं, हम लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ते। इस पर उसके पिताजी ने कहा, ठीक है, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, कॉलेज वाले अब की बार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। तुम्हें किसी के बारे में पता हो तो अथॉरिटीज को बता देना। इतना बोलकर काव्या के डैड ने फोन रख दिया। काव्या अब भी बाथरूम में ही खड़ी थी। उसे डर था कि कहीं कॉलेज वालों को उसके बारे में पता चल गया तो उसका करियर और उसकी रेपुटेशन दोनों खराब हो जाएंगे। दिन को गुजरते देर नहीं लगी, रात हो चुकी थी और समीर के घर से म्यूजिक की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। पार्टी पूरे जोर शोर से शुरू हो गई थी। फकीर चंद कॉलेज के नामी गिरामी स्टूडेंट्स यहाँ हाथ में ड्रिंक्स लिए नाच रहे थे। इस वक्त काव्या और समीर भी एक साथ मौजूद थे। काव्या थोड़ा टेंशन में थी और समीर उसकी वजह जानता था। समीर ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, तू जानती है ना, कुछ भी हो जाए मैं तुझे इस ड्रग रैकेट में नहीं फंसने दूंगा, टेंशन मत ले। काव्या ने अनमने मन से कहा, मैं ना फंसूं इसलिए किसी और को फंसाना होगा। इतना बोलकर काव्या ने मुस्कुराते हुए समीर को देखा और उससे पूछा, तो तेरा शिकार राहुल कहाँ है? ये सुनकर समीर ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, वो देख सामने, मैडी उसका पूरा ख्याल रख रहा है। काव्या ने देखा कि सामने मैडी एक एक करके राहुल को पेग पिलाया जा रहा था कि तभी मैडी ने राहुल के कान में कुछ कहा। वो सुनकर नशे में लड़खड़ाता हुआ राहुल बुरी तरह से ना में सर हिलाने लगा कि तभी मैडी ने समझाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा यार, सब सेफ है यहाँ, तो बस चल दो, अब तक दारू पिएगा, असली चीज़ तो मेरे पास है। ये सुनकर राहुल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर आखिरकार उसने हामी भर ही दी। काव्या ये सब होते हुए देख रही थी। उसने समीर से पूछा, ये कहाँ ले जा रहा है उस बेवड़े को? इस पर समीर ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस एक शैतानी भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आया। कुछ देर बाद उसने अपना फोन देखा, मैडी का अभी अभी एक मैसेज आया था। उसे देखकर समीर ने कहा, चल शो का टाइम हो गया। इतना बोलकर समीर ने अपना फोन निकाला और कैमरा खोलकर ऊपर वाले कमरे में चला गया जहां मैडी और राहुल मौजूद थे। उसने कुछ देर तक तो इंतज़ार किया और फिर एक धड़ल्ले के साथ वीडियो कैमरा ऑन करके कमरे में घुस गया। काव्या ने अंदर आकर देखा कि राहुल मैडी के साथ ड्रग्स ले रहा था। कैमरा देखकर तो जैसे राहुल की जान ही सूख गई। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, अरे अरे ये क्या समीर? इस पर दो चार फोटो लेते हुए समीर ने कहा, अरे राहुल ये तो तू हमें बताएगा कि ये सब क्या है। तुम जैसे शरीफ बच्चे अगर ड्रग्स लेने लगे तो कॉलेज का नाम बदनाम नहीं होगा? ये सुनकर राहुल समीर के पैरों में गिर गया। यार तू ये सब क्यों कर रहा है यार, क्यों कर रहा है? इस पर समीर ने तपाक से कहा, क्योंकि तूने तारा शर्मा के सामने अपना मुंह खोला, इसलिए मेरी बुराई की। क्यों बे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब देखना तेरा ये फोटो मैं कैसे वायरल करता हूँ।
यह सुनकर राहुल और भी बुरी तरह से रोने लगा। इस पर समीर ने हंसते हुए बस इतना ही कहा, अबे रो क्यों रहा है, तुझे वायरल करके मैं एहसान कर रहा हूँ तुझ पर, फेमस हो जाएगा तू फेमस। इतना बोलकर समीर और काव्या पूरी तरह से हंसने लगे। सिर्फ एक मौका इंसान को हैवान बनाने के लिए काफ़ी होता है, और फिर समीर और काव्या के लिए तो ये बस हैवानियत की शुरुआत ही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इन टू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 2 विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट। इसे सुनिए रेड एफएम इंडिया एंड सारे लीडिंग पॉडकास्ट एप्स पर। रेड एफएम, बजाते रहो।